कौन गई थी तुम्हारे साथ? देखे आप लोग, देखो आज मैं इनकी पोल खोल दूंगी आज। क्या क्या बोला, एक बार फिर से बोला। मैं उसके साथ नहीं गया था, वो मेरे साथ गई थी। कहाँ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है कढ़ाई में मैंने पहले तेल डाल दिया, उसके बाद इसमें कांदा चॉप किया हुआ एक कांदा, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, और इसके बाद कांदे को देखिए थोड़ा सा लाइट मैंने ब्राउन कर लिया। इसके बाद डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये नॉर्मली जैसे हम मसूर की दाल बनाते हैं वैसे ही है, बहुत सारे लोगों को बनाना आता भी है, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं आता है, बट मैं बना रही थी रेसिपी तो मैंने सोचा कि चलिए अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसमें ना मैं थोड़े से बटाटे भी ऐड करती हूँ मसूर की दाल में, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे से पीस कट कर लीजिए और फिर इसमें ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और बच्चे लोग भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर घर का जो कूटा हुआ मसाला है ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा डाला है, क्योंकि टमाटर आप लोग जानते हैं कितना महंगा हो गया है। तो नमक भी मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया इसमें, और दाल को जो है मैंने पहले से ही धो कर के रखा हुआ था, तो दाल इसमें मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पर जो है मसाले की और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा तीखा नहीं खाते और ना ही मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से थोड़ा मैं मसाला कम ही रखती हूँ। इसके बाद जो ये आलू हमने चॉप किए थे बारीक बारीक से, तो आलू भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, मतलब कि इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें पानी, क्योंकि मसूर की दाल जो है बहुत जल्दी गल जाती है। इसके बाद हम इसको ढक करके रख लेंगे थोड़ा देर के लिए पानी डाल करके, और इसको पकने के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद जब ये गल जाएगी तो फिर इसका पानी अगर बचा रहेगा तो पूरा पानी सुखा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी ऑलरेडी हमने कम ही रखा था, तो आलू भी हमारे गल चुके हैं ऑलमोस्ट, दिख तो रहा है, और खुशबू भी आती है जब आलू आपके गल जाते हैं, तो इसकी स्मेल भी आने लगती है अच्छी सी। तो यहाँ पर देखिए दाल और रेडी हो चुकी है हमारी। तो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं जो हमारी चिड़िया है, उनका जो खाना है वो जो है ना थोड़ा सा, मतलब अब थोड़ा ही बचा है तो लाना है दूसरा, तो ये अंदर ही डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा है ना तो वो चढ़कर अंदर अंदर मुंडी घुसा के खा नहीं पा रहे। तो ये बहुत मस्ती खोड़े, और ये ज़्यादा मस्ती नहीं करती है, और ये चुपचाप बैठे रहती है अपनी जगह पे। ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा सिर्फ उछलते कूदते रहता है, बस उछलते कूदते रहता है। क्या हुआ ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये कौन है? ये आलिया है, कांच। वालेकुम सलाम। तो जो है अभी आलिया झूला झूल रही है यहाँ पर बैलकनी में, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी दिन के बाद हमारे मोगरे में फूल खिलने वाला है, मोगरा फूल, मतलब मोगरे के झाड़ में, मोगरे के झाड़ में, मोगरे के झाड़ में। तो एक और चीज़, खिड़की खोल रहे कि बंद कर रहे? तो ये कपड़े जो है बाल्टी में, ये सुखाने के लिए मुझे रस्सी पर डालना है, तो अभी कपड़े फिलहाल है, ये कपड़े हटा लेती हूँ मैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद फिर ये कपड़े वहाँ पर डालूंगी सूखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं गुलाब का फूल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खिला है, ये देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना। अपन गए नहीं उसके पास फिर से? तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर किसके साथ? कौन गई थी तुम्हारे साथ? देखे आप लोग, देखो आज मैं इनकी पोल खोल दूंगी आज। क्या क्या बोला, एक बार फिर से बोला। मैं उसके साथ नहीं गया था, वो मेरे साथ गई थी। कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे? तो ये मेरे चोरी छुपे पता नहीं कहाँ जाके आए और मेरे को बोल नहीं रहे कहाँ गए। अरे बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, बाइक। किसकी बाइक? बाइक। अब झूठ मत बोलो, बहाने मत बनाओ। बहाने बना रहे हैं? अरे खाने का वीडियो मत निकाल, फिर वही बोलेंगे दस्तरखान बिछाओ, ये बिछाओ, कुछ दिखाई नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। तो वो खा रहे हैं अभी खाना, और मैं यहाँ पर खिड़की में बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। कल तो बहुत बहुत ही बेकार लग रहा था, कल का दिन पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था कल। हाँ अभी तो कैमरे पर हाथ आ गया था मेरा, सॉरी, थोड़ा सा कैमरा साफ कर लेती हूँ। इम्प्रेशन गिर गया, लेकिन इम्प्रेशन गिर गया।
तो आप लोग सोच रहे हैं किसका इंप्रेशन, तो व्यूज़ का इंप्रेशन जो कि वीडियो डालने के बाद एनालिटिक होता है, एक घंटे के अंदर यूट्यूब देखता है कि आपके व्यूज़ कितने गए हैं, एक घंटे में अगर कम जाते हैं तो एनालिटिक गिर जाता है आपका नीचे। तो ये बात है, टीवी चालू है, टीवी में मैं अभी देख रही थी इमली, तो मुझे इमली बहुत पसंद है, सोमबुल टोकुर पता नहीं, नाम भी इतने अजीब होते हैं कि बोलने भी नहीं आते, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनफैक्टली बहुत बहुत क्या बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, वो बहुत क्यूट लगती है। और मालिनी भी बहुत अच्छी लगती है, उनका रियल नेम मुझे नहीं पता, डबल चिन दिख रहा है। मेरा ऐसा है थोड़ा सा एक दो दिन खाना कम खाऊँ, मतलब पेट भर के नहीं खाऊँ, खाना कम खाऊँ तो मैं ना पतली लगने लगती हूँ, ठीक है, ये अंदर चला जाता है, तो एक दो दिन पेट भर के खाना खा लूँ तो ये वापस बाहर आ जाता है, तो क्या करूँ फिर अब मैं, खाना तो छोड़ नहीं सकती हूँ मैं पेट भर के खाती हूँ खाना, मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्या करें पापा, तुम दोनों क्या करें, हेलो हाय, पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, अंदर मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वही खाने में खेल रहे हैं। और है ना यहाँ पर हमारी मनी बेल है, कपड़े सूख रहे हैं, बाकी कपड़े सुखाने ला लूँगी, तो ये रोज़ है ना बहुत प्यारा लग रहा है, तो यहाँ पर बैठी हूँ मैं अभी बैल्कनी में अपने, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठने, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ ना फिर यहाँ से उठने का नाम ही नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, धूप आती है तो मुझे धूप उठा देती है, लेकिन यहाँ पर कपड़े उपड़े अभी डाले हुए हैं रस्सी पर, इसकी वजह से धूप मतलब ज़्यादा नहीं लग रही है चाहे फेस के ऊपर, पता नहीं कौन बच्चा क्या पता क्या जला रहा है वहाँ पर, देखो एक बच्चा वहाँ पर लकड़ी जला रहा है, इसमें से नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, बहुत दूर है, नहीं दिखेगा। तो जब भी अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, पता है अब जब भी मैं उतरती हूँ बिल्डिंग से नीचे, मतलब कुछ सामान लाने के लिए जाती हूँ ना, तो बहुत सारे मेरे फैमिली वाईटी फैमिली के मेंबर्स मुझे मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर, तो बोलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं, हम आपको देखते हैं, हमारे घर वाले आपको देखते हैं। तो मैं उस दिन दुकान पर भी गई थी तो एक भाई मिले, बोले कि हमारे घर वाले देखते हैं आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं, तो मैं बोली थैंक यू, बोली फिर वहाँ से निकल गई। रात भी थी, मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी दुकान पर, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख करके, मतलब कि लोग अब आपको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, स्पेशली मतलब जो आप कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो और क्या कहूँ मैं आप लोगों से, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आज हमारी यूट्यूब चैनल पर 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स में लेकर आऊँ, रेसिपी लेकर आऊँ। तो जब भी आप मतलब इतना सपोर्ट आपको करते हैं ना, तो मुझे भी और हिम्मत मिलती है व्लॉग्स और बनाने के लिए, कुछ भी मतलब और काम करने के लिए, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और इससे बेहतर करने के लिए, मतलब मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मैं इससे बेहतर करूँ, तो ये सब चीज़ मतलब है ना आपको बहुत मोटिवेट करती है, कि जब आपको लोग इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप और बेहतर करो और इससे ज़्यादा बेहतर करो, तो ऐसा मुझे होता है। और थैंक यू सो मच, जितना मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप सबका। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, जितने भी लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं और देखो वहाँ से ऊपर से खा रहे हैं, और वो जो छिलका होता है ना वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, एकदम सेम ऊपर ही है, तो जो भी लोग मेहनत करते हैं वो भी ऐसे ही आगे बढ़े, मतलब कि जो लोग स्पेशली बोल रही हूँ, जो लोग मतलब खासकर बहुत मेहनत करते हैं और जिनके चैनल अभी मतलब बहुत पीछे है, बहुत कम व्यूवर्स है, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है वो भी लोग आगे बढ़े, इंशाल्लाह मैं दिल से दुआ करती हूँ आप सब लोगों के लिए। बस ये है कि देखिए किसी से सपोर्ट मत मांगिए, अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए अल्लाह से, और आप इसी तरह मेहनत करते जाइए, ब्लॉग्स अच्छे 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 वीडियो बनाते जाइए, ताकि जो है एक ना एक दिन आपकी वीडियो वायरल ज़रूर होंगी, उसके बाद फिर आपके व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, आपका वॉच टाइम भी हो जाएगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो बेहतर होगा कि आप किसी से हेल्प ना मांगे, क्या होता है देखिए किसी से भी आप हेल्प मांगोगे या तो करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद क्या होता है वो व्यूज़ आपके नहीं होते, ठीक है ना, वो आपको कब तक देखेंगे, वो आपको सिर्फ तब तक देखेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। और अगर आपकी खुद की रेसिपी अगर कोई वायरल हो जाती है या कोई भी वीडियो आपका वायरल हो जाता है, कोई भी ब्लॉग्स, तो क्या होता है फिर वो आपके सब्सक्राइबर आपके खुद के होते हैं, आपके व्यूवर्स आपके खुद के होते हैं, वो हमेशा आपके साथ बने रहते हैं, तो ये होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि किसी से भी मतलब हेल्प मत मांगिए, आपका चैनल का लिंक डाल दें या फिर ये कर दे वो कर दे, क्योंकि उन सब के लिए भी इजी नहीं होता ये सब करना, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में स्ट्राइक दे देते हैं, इसकी वजह से डर होता है, इसलिए कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, क्योंकि लिंक डालने से कुछ करने से क्या होता है कि आगे चल के वो चैनल अगर कहीं बड़ा हो गया कुछ हो गया तो लोग आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, तो मतलब यूट्यूब का फिर ये नियम होता है, तो फिर उसको तो हमें मतलब उसका तो हमें करना पड़ता है जैसा यूट्यूब का होता है, तो ये होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई लोग आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी उनके लिए भी रिस्क होता है, ऐसा होता है। तो बस यही, और मैं भी कहाँ कहाँ घुस जाती हूँ कुछ बोलते बोलते, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है गुलाब, मुझे ना गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जो पिंक पिंक कलर का होता है ना, लाइट पिंक कलर का होता है, देखिए वो जब मैं गांव में थे ना हम लोग, तो इतनी धूप आ रही ना मेरे फेस पर, मतलब मेरा फेस सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो जब हम गांव में थे ना तो वहाँ पर एक झाड़ था, मतलब बाजू में थे हमारे कोई,
तो रिलेटिव नहीं थे, मतलब ऐसे ही बाजू में रहते थे, तो उनके तो ना इतने गुलाब के फूल आते थे डेली, मतलब मेरे लिए तो एक रहता ही था, मतलब कि मतलब जैसे उसमें आने लगते थे ना तो मैं बोलती थी ना मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, तो मतलब हमेशा मेरे लिए रखते ही थे, किसी को नहीं देंगे मेरे लिए। मैं जब बहुत छोटी थी तो उनके घर में ना मतलब मेरे को बहुत प्यार किया जाता था, मतलब बहुत लाड़ करते थे, क्योंकि बच्ची थी मैं बहुत, और फूलों मोलों से थी, थोड़ी सी क्यूट क्यूट थी, बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी, इस वजह से मैं फिर से खड़ी हो गई। अब क्या करूँ, तो यहाँ पर ये देखिए मोगरा दिख रहा है आप लोगों को, इसमें अभी आने वाला है, दिख रहा है किधर है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ इसमें। तो आज के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो देखते हैं आगे क्या रेसिपी बनाती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि तुम झूठी हो, ये हो वो हो, देखिए अब वो आपकी सोच है ना, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है, मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉग शूट किए होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक्स्ट्रा, बहुत धूप लग रही है फेस पर, एक्स्ट्रा ब्लॉग है ना कुकिंग के शूट किए होते हैं मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ उसके अंदर मिला करके उसको डाल देती हूँ, फिर उसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो इस पर से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर वो रेसिपी पहले की भी है तो क्या दिक्कत है, वॉइस ओवर मैं उसमें कर रही हूँ बाद में, ठीक है। हाँ, अगर कुछ ब्लॉग्स होते हैं कभी आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है, तो प्लीज़ इतना जज मत किया कीजिए। अब आप बोलेंगे कि रील पर लगाई थी फिर वो वाले वीडियो में, तो देखिए वो पहले शूट करके रखी हुई थी, है ना, ऐसा है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ, या फिर जो मेरे पास पहले की रेसिपी रखी हुई है वही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आगे, और वॉइस ओवर कर दूँगी, तो आप लोग देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी आलिया तो उधर खेल रही है झूला, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ और वॉइस ओवर कर दूँगी। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी शाम हो चुकी है, और मतलब जब शाम तो हो ही रही थी, मतलब अभी रात हो चुकी है, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों अचानक से। तब मैंने व्लॉग एंड कर दिया, मतलब मैंने जब बोला था कि कुछ रेसिपी बनाती हूँ, बट मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि दाल तो मैं बना चुकी थी ऑलरेडी, बट सोच रही थी अभी से थोड़ा सा कुछ बना दूँ और रेसिपी भी बना दूँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सी, बट अब मन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो अभी मैं जाऊँगी दवाखाना, तो यहाँ पर तो है सना जो है पढ़ाई कर रही है, मतलब ट्यूशन का होमवर्क कर रही है। सना सलाम करो बेटा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरे बच्चों के लिए, थैंक यू सो मच। और कुछ लोग बोलते हैं बच्चों को मैनर्स नहीं है वगैरह वगैरह, तो अभी क्या बोलूँ मैं आप लोगों के लिए। और हाँ, बच्चे लोग को बोलना पड़ता है, क्योंकि हम माँ बाप हैं, माँ बाप ही उनको सिखाते हैं, ठीक है ना। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बोलना भी माँ बाप ही सिखाते हैं, सब कुछ माँ बाप ही सिखाते हैं, तो माँ बाप का काम है बोलना, ठीक है। उनको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, कैमरा है, कैमरे के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, तो हम बताते हैं कि देखो सलाम करो बेटा, आपको सब लोग देखेंगे, है ना, मतलब आप सलाम करो, बात करो, तो उनको ये नहीं पता कि कैमरे के सामने, तो बोलना पड़ता है, क्योंकि बोलने से ही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो अभी जो है तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, तो अभी जाऊंगी मैं दवाई लेकर आऊंगी, और देखते हैं अगर कोई रेसिपी हो गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो सना तो अभी बैठी है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, तो अभी आ जाऊंगी ना जाके, तब तुम भी चलना साथ में, ठीक है। तो सना का मन नहीं लगता मेरे बिना, तो बोल रही तुम दवा लेने जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, तो मैं बोली ठीक है, बट अच्छा नहीं बेटा, यहाँ पे तो जा रही हूँ नजदीक, मैं अभी आ जाऊंगी। तो इसको भी आना है मेरे साथ, तो वहाँ पर अभी जो हमारे चिड़िया रानी है अभी बैलकनी में है, तो तो हंसी आती है, मुझे नहीं आती है हंसी। और हाँ, अभी हम कर रहे हैं ईद मिलादुन्नबी की तैयारी, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।